लो भैया, लव कटारिया की भी एंट्री बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में हो चुकी है। जी हाँ, अरमान मलिक के साथ उनकी दो बीवियां जो है, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, वो भी तीनों आ रहे हैं। और भाई साहब, बड़े बड़े सरप्राइज मिले हैं। मैक्सटन को भी एंट्री मिल गई है, मतलब कि लव कटारिया के जिगरी यार एल्विश यादव ने मैक्सटन को थप्पड़ मारा था, अब भैया वो भी एंट्री ले रहे हैं। मैक्सटन जो सब बोल रहे थे कि भैया बिग बॉस में तो एंट्री इसको मिलेगी, और फाइनली उसको भी मिल चुकी है। पूरी लिस्ट अब क्लियर हो चुकी है, टॉप 15 जो कंटेस्टेंट है उनकी लिस्ट भी आ चुकी है कंफर्म। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन आ रहे हैं, और एक दिन पहले हम आपको ये पूरी अपडेट बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए, तो मैं जो आपको नाम बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले लव कटारिया एल्विश यादव के जिगरी यार हैं, फुल सपोर्ट करी थी एल्विश के टाइम पे। अब देखना होगा कि ये एल्विश के जैसे रहते हैं या फिर यहाँ पर यूके राइडर की तरह भैया रहते हैं, ये देखना होगा। इसके साथ साथ मैक्सटन की एंट्री हो चुकी है, सना मकबूल, नीरज गोयात जो कल मैंने आपको बताया था, साई केतन राव, नेजी जो कि एक रैपर है, पोलोमी दास भी आ रही है, अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक, शिवानी कुमारी, सना सुल्तान, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो दीपक चुरसिया, चंद्रिका दीक्षित, विशाल पांडे, ये कंटेस्टेंट है जो मैंने अभी आपको सभी के नाम बताए हैं, ये आपको बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जो मेन फोकस है वो ये रहेगा कि बड़ा पाव गर्ल आने वाली है ना, उसके साथ साथ लव कटारिया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैक्सटन की एंट्री हो गई है, और अरमान मलिक के साथ उनकी दो बीवियाँ पायल मलिक, कृतिका मलिक की एंट्री हो चुकी है, शिवानी कुमारी की एंट्री हो चुकी है। तो मतलब ये लोग जो मेन फोकस इन पे रहेगा, और इनके बीच में तगड़े हंगामे भी होंगे कि यहाँ पर एल्विश के जो जिगरी यार हैं, तगड़े वाले दोस्त हैं जिन्होंने फुल सपोर्ट किया लव कटारिया, उसकी फाइट हो सकती है मैक्सटन के साथ, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रैपर आ रहा है उसके साथ हो सकती है, क्योंकि रैपर भी बड़ा ही धमाकेदार एंट्री ले रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बड़ा पाव गर्ल भी धमाके कर सकती है, तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अनिल कपूर को लाया गया है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि ये कंटेस्टेंट ऐसे लेके आएंगे कि सलमान खान ना भी होंगे तब भी शो को TRP उतनी आ सकती है। क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अब आपको लगता है क्या धमाका होगा, लिख डालिए, या फिर ये फ्लॉप हो जाएगा, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और आप गाइस हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, पूरा बिग बॉस यहां पर आपको लगातार अपडेट उसकी मिलती रहेगी।